हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैच कवर करेंगे इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का, जो थर्ड T20 मैच 14 दिसंबर को खेला जाएगा रात के 8 बजे से। तो दोस्तों, वीडियो का अंत तक बने रहिएगा। वीडियो में बताएंगे पिच रिपोर्ट, ड्रीम इलेवन। तो दोस्तों, यह मैच जोहान्सबर्ग में खेला जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले अभी बात करते हैं हम सेकेंड T20 मैच के बारे में, जो कि इंडिया हार चुकी है। दोस्तों, उस मैच में सुमन गिल और SSV जायसवाल कुछ कर नहीं पाए, दोनों 0 पर आउट होकर चले गए। दोस्तों, ईशान किशन जैसे खिलाड़ी को नहीं खिलाए, टीम में ले जाकर भी नहीं खिलाए, ये बहुत बड़ी गलत फहमी थी और कि उनको वो खिलाए नहीं ईशान किशन को। दोस्तों, ईशान किशन बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, जैसे कि आप सभी जानते ही हैं। एशिया कप में बांग्लादेश के खिलाफ ईशान किशन 200 रन मारे थे, और अभी वर्ल्ड कप में भी एक आध दो मैच खेले थे, उसमें 6 रन मारे थे। अभी ऑस्ट्रेलिया वर्सेज इंडिया के बीच में 5 मैचों की सीरीज खिलाई गई थी, उसमें भी इसे हाफ सेंचुरी मारकर आ रहे हैं। और जब सेकेंड इनिंग आई, बैट बॉलिंग करने समय आया इंडिया का, तो इंडिया के खास करके अक्षदीप बहुत ज़्यादा रन पिटाए, 2 ओवर में 31 रन, मुकेश कुमार, मोहम्मद सिराज। दोस्तों, ये इंडिया टीम में कल बहुत सारे कन्फ्यूजन थे कि किसको खिलाए, पता नहीं कैसे कैसे करके इंडिया को मैच हरवा दिए। दोस्तों, बात करते हैं, देखिए वहीं रवि बिश्नोई को खिलाना चाहिए, जो कि वर्ल्ड के नंबर वन बॉलर कहे जाते हैं, कि रवि बिश्नोई बहुत अच्छे बॉलर हैं, तो उनको नहीं खिलाया गया टीम में ले जाकर, पता नहीं क्यों नहीं खिलाया गया। दोस्तों, बात करते हैं अब पिच रिपोर्ट के बारे में जोहान्सबर्ग में। दोस्तों, जोहान्सबर्ग का पिच कल कही जैसा है कुछ, वहाँ पर फास्ट बॉलरों को हेल्प मिलेगा। तो दोस्तों, जोहान्सबर्ग के ग्राउंड पर वहाँ पर फास्ट बॉलर को बहुत ज़्यादा हेल्प है, क्योंकि कल भी मैच देखे होंगे तो आप सभी, फास्ट बॉलरों को हेल्प मिल रहा था। और वहाँ पर टोटल 26 मैच खेले गए हैं, 26 मैच में से 13 मैच फर्स्ट इनिंग बैटिंग करते समय जीती है, और 13 में सेकेंड इनिंग बैटिंग करते समय जीती है। तो दोस्तों, वहाँ पर ज़्यादा फास्ट बॉलर को हेल्प है, तो कल भी अपने ड्रीम इलेवन टीम में आप सभी फास्ट बॉलर को रखिएगा। दोस्तों, कल साउथ अफ्रीका के टीम से कुछ खिलाड़ी बाहर हैं, जैसे मार्को यांसन और एक आध दो और खिलाड़ी हैं जिनका याद नाम नहीं है। दोस्तों, तो आप सभी ड्रीम इलेवन टीम सोचकर बनाइएगा, देखकर बनाइएगा। और मेरे ड्रीम इलेवन टीम में कल सूर्य कुमार यादव को कैप्टन बनाऊंगा और क्लासन को वाइस कैप्टन बनाऊंगा। दोस्तों, कल मेरा टीम टॉस होने के बाद थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, तो आप सभी मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर मेरा टीम देख सकते हैं। दोस्तों, अभी मेरे टीम में फास्ट बॉलर का संख्या ज़्यादा है, और कल रहेगा भी संख्या फास्ट बॉलर का ज़्यादा ही, क्योंकि कल उस ग्राउंड पर फास्ट बॉलर को बहुत ज़्यादा हेल्प है उस ग्राउंड पर। दोस्तों, आप सभी उस ग्राउंड पर खास करके फास्ट बॉलर को रखिएगा, मैं तो यही कहूँगा। अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, बाय बाय।